मैंने यहाँ कढ़ाई में 3 चम्मच घी ले लिया है। घी की जगह आप तेल या फिर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी जैसे ही गर्म होकर पिघल जाएगा, हम इसमें 3 बारीक कटे हुए प्याज इसमें मिला देंगे और करीबन 1 से 2 मिनट के लिए कलर इसका ट्रांसलूसेंट होते तक भून लेंगे। प्याज का कलर अगर आप देखें तो एकदम चेंज हो गया है। इसी समय मैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची इसमें मिला लूँगी और 2 बारीक कटे हुए टमाटर भी हम इसमें मिला लेंगे। इन सबको हम अब एक साथ अच्छे से भून लेंगे जब तक कि टमाटर और प्याज अच्छे से गल ना जाए। टमाटर और प्याज को जल्दी से गलाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक मिक्स कर लूँगी। नमक को एक बार फिर से हम प्याज और टमाटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक मिलाने से प्याज और टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। यहाँ देखिए टमाटर और प्याज थोड़े से हमारे गल चुके हैं। इसी समय हम इसमें मिलाएंगे करीबन 1/2 कटोरी फ्रोजन मटर, 1 बड़ी शिमला मिर्ची जिसे मैंने बारीक काट लिया है। इन सबको हम एक साथ मिला लेंगे। इसी समय हम इसमें करीबन 1/4 कप पानी मिला लेंगे। पानी मिलाने से सब्जियाँ भी थोड़ा सा पानी छोड़ देंगी और हमने भी पानी मिला लिया है तो इनका कुकिंग प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। सब्जियाँ तो लगभग यहाँ अभी हमारी पक ही चुकी है। इसी समय हम मैशर की सहायता से पुश करते हुए इसे मैश कर लेंगे ताकि सब्जियाँ और भी अच्छे से मैश हो जाए। मैश करने से सब्जियों का जूस जो है वो बाहर निकल आता है तो खाने में वो और भी टेस्टी लगती है। इसी समय हम इसमें 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर मिला लेंगे और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर भी इसमें मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर भी हम इसमें मिला के इन सारे सूखे मसालों को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सूखे मसाले जलने नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसमें 1/4 कप के लगभग पानी डाल के इन सबको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। 1 कटोरी उबली हुई बीन्स भी हमें इसमें मिला लेना है और 1 कैरेट जिसे भी मैंने बारीक काट के उबाल लिया था वो भी हम सब्जियों के साथ मिला लेंगे। इन सब्जियों को अभी हम एक बार फिर से मिला लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। वैसे तो हमने गाजर और बीन्स को उबाल के ही लिया हुआ है, फिर भी हम इन्हें एक बार मैशर की सहायता से अच्छे से मैश कर लेंगे। क्योंकि हमारी रेसिपी का नाम ही वेज कीमा मसाला है तो सब्जियाँ यहाँ हमें ज़्यादा दिखनी नहीं चाहिए। इसी समय हम इसमें स्वादानुसार नमक भी मिला लेंगे। नमक आप थोड़ा कम ही मिलाइएगा। याद रखिए हमने जब प्याज और टमाटर को भुना था उस समय भी हमने थोड़ा सा नमक उस समय मिक्स कर लिया था तो नमक को भी हम एक बार सबके साथ अच्छे से मिला लेते हैं। अब इस समय मैं लगभग 200 ग्राम पनीर लूँगी जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, वो हम इसमें मिला लेंगे। आप चाहे तो पनीर टुकड़ों में भी काट के इसमें मिला सकते हैं। पनीर को भी एक बार हम सब्जियों के साथ मिला लेंगे। अब एक बार फिर से मैं 1/4 कप के लगभग पानी इसमें मिला लूँगी और अगले 5 मिनट तक के लिए थोड़ा सा पकने के लिए रख दूँगी ताकि पनीर और सब्जियों की टेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा हरा धनिया भी मैं इसमें मिला रही हूँ। अब इस वेज कीमा मसाला में खास टेस्ट देने के लिए मैं इसमें डालूँगी चीज़। चीज़ मिलाने से इस सब्जी का टेस्ट जो है वो बाकी सब्जियों से एकदम हटके अलग हो जाएगा और खाने में भी एकदम बेहतरीन लगेगा। अगर आप चीज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इस प्रोसेस को स्किप कर दीजिए। इस रेसिपी बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं उसकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उसे एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चीज़ को अभी हम सारी सब्जियों के साथ एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे और अगले 5 मिनट तक के लिए हम इसे पका लेंगे। यहाँ हमारी वेज कीमा मसाला रेसिपी तैयार हो जाती है। वेज कीमा मसाला को आप पाव, रोटी या फिर नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। We'll be right back.